नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। सीआरपीएफ में पैरा मेडिकल का एक और नया रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आ रहा है और इसको लेकर इसका ऑफिशियली तरीके से जो नोटिस है वो भी सीआरपीएफ की वेबसाइट पर आ चुका है। तो भाई यहां पर जो वैकेंसी रहने वाली है उसमें आप लोगों के लिए एक बड़ी बंपर वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें आपके एसआई से लेकर कॉन्स्टेबल तक की अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले जो आपका लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट निकल के आता है वो 2019-20 में ये वाला रिक्रूटमेंट निकल गया था। अभी फिर से आप लोगों के लिए 2024 में सीआरपीएफ का एक और नया रिक्रूटमेंट आ रहा है। अगर मैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करूं तो अलग अलग पोस्टों पर यह वैकेंसी आप लोगों के लिए निकल के आई है। तो कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली है और इस वाली वैकेंसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, तो भाई इसमें बहुत सारे अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और मैं पूरी चीजें आप लोगों को वैकेंसी तक बताऊंगा कि कितनी कितनी वैकेंसी इस बार 2024 में पैरा मेडिकल भर्ती में आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आपकी जो वैकेंसी निकल के आई है वो निकल के आई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मिस्ट की वैकेंसी है। टोटल 450 पदों पर ये वाली वैकेंसी रहने वाली है। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग वैकेंसियां हैं जिसमें अलग अलग आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह रखी गई है। पूरा नोटिस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा जहां पूरी जानकारी डिटेल से देख सकते हैं। अभी आप लोग देखिएगा यहां पर आपको अलग अलग वैकेंसियां देखने को मिलेगी, मैं सारी वैकेंसी आपको बताऊंगा। यहां पर जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी रहेगी 18। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिएगा यहां पर और भी कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ईसीजी टेक्नीशियन की 4 वैकेंसी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिएगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की 22 वैकेंसी निकल के आई है। अगर इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो यहां पर देखिएगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल और टेक्नीशियन की 22 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें आप लोगों की सारी वैकेंसियां देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं तो यहां पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी असिस्टेंट की टोटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की टोटल 108 वैकेंसी निकल के आई है। इसके अलावा यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर आपको एएसआई जो रेडियोग्राफर है उसकी 6 वैकेंसी निकल के आई है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिएगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एक्सरे टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी है। कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल सभी की वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। काफी बड़ी वैकेंसी रहने वाली है जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नर्सिंग असिस्टेंट की टोटल 210 वैकेंसी रहने वाली है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों की और भी काफी वैकेंसी है जिसमें हेड कॉन्स्टेबल स्टीवर्ड की टोटल 22 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी आपको। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो हेड कॉन्स्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट की टोटल 190 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोग देखिएगा जो आप लोगों को सारी वैकेंसियां देखने को मिल जाएगी, हेड कॉन्स्टेबल एक्सरे असिस्टेंट की टोटल 90 वैकेंसी निकल के आई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर तो यहां पर आप लोगों की जो वैकेंसी है वो निकल के आती है मेरे भाई किसकी, हेड कॉन्स्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की टोटल 13 वैकेंसी निकल के आई है। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिएगा यहां पर हेड कॉन्स्टेबल इलेक्ट्रीशियन की 4 वैकेंसी है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो यहां पर और भी काफी वैकेंसियां देखने को मिलेगी जिसमें हेड कॉन्स्टेबल एयर कंडीशनर और प्लांट टेक्नीशियन की 4 वैकेंसी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर और भी काफी वैकेंसी है जिसमें हेड कॉन्स्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन की 8 वैकेंसी निकल के आई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिएगा हेड कॉन्स्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की टोटल 93 वैकेंसी निकल के आई है। अगर उसके अलावा मैं बात करूं तो हेड कॉन्स्टेबल एएनएम की टोटल 3 वैकेंसी निकल के आई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिएगा यहां पर आपकी कॉन्स्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट की भी 768 वैकेंसी निकल के आई मेरे भाई। तो ये वैकेंसी आपके सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, 768 वैकेंसी, कम से कम ये 5000 के लगभग वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कॉन्स्टेबल सफाई कर्मचारी की 205 वैकेंसी रहने वाली है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो यहां पर और भी काफी वैकेंसी है, कॉन्स्टेबल वाशरमैन की 22 वैकेंसी निकल के आई है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो यहां पर देखिएगा और भी काफी वैकेंसी आपको अलग अलग पोस्टों पर देखने को मिल जाएगी। ये पूरा नोटिस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ये वाला नोटिस है ये आप सीआरपीएफ की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों पिछला रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है और 2019-20 वाला जो रिक्रूटमेंट था वो काफी लंबे समय के बाद में पूरा हुआ है और उसके बाद में ये वैकेंसी काफी लंबे समय के बाद में निकल के आ रही है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छी रहने वाली है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या ग्रेजुएशन है, तीनों के लिए वैकेंसी निकल के आएगी, जिसमें आईटीआई की है, उसके साथ ही बहुत सारे डिप्लोमा जिन बच्चों ने कर रखा है उनके लिए भी यहां पर अलग से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं
तो 12वीं आपने कर ली है और आप तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ ही अगर आप बीए और बीएससी करना चाहते हैं घर बैठे, तो भाई आप लोगों के लिए एसटी एससी एमबीसी के जो कैंडिडेट है उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जिसमें अगर मैं बात करूं तो ये विराज महाविद्यालय कुचामन सिटी है, जो कि एमडीएसयू जो अजमेर वाली यूनिवर्सिटी है उससे ये अटैच है। और भाई पूरा जो आपका कॉलेज हो रहा है उसमें आपका सबसे अच्छी बात है कि इनका स्वयं का खुद का परीक्षा केंद्र भी है, जहां पर आपका एग्जाम भी होगा, मतलब फेल पास वाली भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से आप बीए या बीएससी कर सकते हैं अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और भाई अगर आप एसटी एससी और एमबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका ये वाला पूरा कॉलेज की डिग्री है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं, साथ ही विजिट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इस भर्ती से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके आप मैं जरूर बताना, और ये पूरा नोटिस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा और इसका नोटिफिकेशन आपको नवंबर या दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।